एक और शानदार इनिंग्स हफीज, जो आपकी ज़बरदस्त फॉर्म है, बैटिंग की कंटिन्यू कर रहे हैं आप, सबसे पहले तो बताइए इस इनिंग्स के बारे में और ओवरऑल कलंदर्स को अच्छा स्टार्ट मिला बट थोड़ा सा एकअप मिला है। नहीं, आई थिंक हम अगर ओवरऑल देखें तो हमारी पहले 5-6 ओवर में एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी एज ए बैटिंग यूनिट। यस, देयर वाज समथिंग फॉर द बॉलर्स, लेकिन स्टिल एज ए T20 प्लेयर आपको एग्जीक्यूशन अच्छी करनी है। आई थिंक एक मोमेंटम हमने दोबारा रीगेन किया स्टार्टिंग फ्रॉम 7th ओवर टिल 13th ओवर। उसके बाद फिर हम लोगों ने एकदम से मोमेंटम लूज़ किया। जो मोमेंटम मिला था, जितने रन्स होने चाहिए थे, हमने उसमें 20-25 रन्स कम किए, क्योंकि एट स्टेज हमें 180-190 के पास स्कोर करना चाहिए था। लेकिन स्टिल आई थिंक मैनी थिंग्स टू लर्न एज ए बैटिंग यूनिट। इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स को, जिस तरीके से उन्होंने हमारे अटैक के बाद दोबारा से अपने आप को रीगैदर किया और जैसे एक बेहतर प्लान की एग्जीक्यूशन की, तो उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। बॉल बहुत खेल रहे हैं आप रेगुलरली, कल भी आप बहुत खेल रहे थे, तो अगेन आप पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, आपको काफ़ी हेल्प किया है गोल्फ ने, वंस अगेन ऐसा लगता है कि एफर्टलेस आप स्ट्राइक करते हैं बॉल को। जी, कुछ मैंने अपने जो वर्क एथिक्स हैं उसको भी चेंज किया है, मैंने प्रैक्टिस डिफरेंट वे में करना शुरू किया। इन तमाम बॉल्स की मैं प्रैक्टिस करता हूँ विद द प्रॉपर पेस, 140 की पेस को रख के मैं अपने जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, जिससे मेरी रेंज भी बेहतर हो रही है। ऑब्वियसली गोल्फ की जो मैंने बात की उससे बहुत सी चीज़ें समझ आई कि बैटिंग में आप इसको कैसे अपने स्किल्स इन्हेंस कर सकते हैं पार हिटिंग के लिए, तो वो सारा कुछ लेके साथ चल रहा हूँ। अपने जो वर्क एथिक्स मैंने बताया उसको मैंने एडअप किया है फॉर पार हिटिंग, तो दैट इज़ वर्किंग रियली हैप्पी। एक्सेलेंट। ओवरऑल कलंदर्स की स्ट्रैटेजी, क्योंकि लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट भी थे और अब वैसे लगता है आपका बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आपने ज़्यादातर लास्ट ईयर के प्लेयर भी रिटेन किए हुए, तो एज ए टीम क्या सोच चल रही है, फिर अपने एज एन इंडिविजुअल भी बताइए। जी, एज ए टीम आई थिंक आपने पहले बताया कि हमारी कोर वेरी मच मेंटेन्ड है, लेकिन ऑब्वियसली नए प्लेयर्स आए हैं क्योंकि कलंदर बिलीव करता है PDP प्रोग्राम के ऊपर और वहाँ पर बहुत से नए लड़कों को चांसेस दिए जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ स्टेज फॉर एवरीवन, और जो भी लड़का इसमें जिसको मौका मिल रहा है उसको इसको एक्सेप्ट करना है और परफॉर्म करना है। लेकिन इस मैच में हमने देखा कि हमारे जो जूनियर्स हैं वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, हम सब लोग एज ए टीम अच्छा नहीं किया। फील्डिंग हमारी जो है वो इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब ऐसे टोटल में आप मिस फील्ड करेंगे तो दैट कैन कॉस्ट अ बिग वे। लेकिन स्टिल हमें एज ए टीम हमारी जो है वो कम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम पॉजिटिव माइंड सेट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द चैलेंज, जो भी हमारे आगे आएगा उसमें आप बेहतर करेंगे। रन आउट ऑफ कोर्स काफ़ी आप उस वक्त आई एम श्योर जस्टिफाइड था आपका गुस्सा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी नहीं खेलेंगे आप, डिसअपॉइंटिंग था रन आउट होने से? टू बी ऑनेस्ट नॉट फॉर माई सेल्फ, बट क्योंकि वो एक प्लान था कि वो जहाँ पे खड़े थे हम रोटेशन करेंगे एंड समित वॉज स्ट्रगलिंग दैट टाइम अगेंस्ट लेग स्पिनर, तो उसके उससे बात भी हुई थी कि मैं ज़्यादा खेलूँगा, लेकिन आई डोंट नो सम हाउ ही मिसजज दैट सिंगल। लेकिन ऐसा होता है क्रिकेट के अंदर, नॉट फॉर मी कि मुझे अपने ऊपर को गुस्सा चढ़ा कि मैं बड़ी इनिंग्स खेल सकता था, लेकिन वी कैन पोस्ट अ गुड टोटल दैट टाइम, अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट डू दैट। लास्ट क्वेश्चन अबाउट द क्राउड, 50% ऑफ क्राउड नेशनल स्टेडियम कराची में भी आएगा, ऑफ कोर्स लाहौर में भी अटेंडेंस अच्छी होगी, क्राउड के सामने खेलना, आप बड़े पॉपुलर प्लेयर हैं पाकिस्तान में, तो क्या कैसी फीलिंग हो रही है आज? जी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं सबसे पहले तो क्राउड के लिए ये कहूँगा कि वो प्रिकॉशंस को फॉलो करें, स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आएँ, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूर फॉलो करें। और मुझे बहुत खुशी है कि इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि कोरोना को हम लोग काबू कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं। सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस टूर्नामेंट, कि बहुत जल्दी पूरा क्राउड भी आएगा और ये पूरे जो ग्राउंड है ये भरे होंगे और हम लोग वहाँ पर खेलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कराची के बाद साथ आपका नेक्स्ट मैच है, तो संडे को एक बड़ा क्लैश है कराची और लाहौर का, ऑफकोर्स आप लोग फाइनल भी खेले थे पिछले साल, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम? जी, ऑब्वियसली हर टीम जो है बहुत अच्छे तैयारी के साथ आई हुई है, हमने देखा कि हर टीम के पास तमाम मैच विनर्स मौजूद हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा उनके टीम सेटअप है, तो हम तो प्लान करते हैं जो भी टीम सामने आती है उसके मुतालिक मीटिंग करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग मैच जीतें। तो यस, ऑब्वियसली संडे को अच्छा मैच होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि उस दिन हम लोग कम गलतियाँ करें, ज़्यादा अच्छी एग्जीक्यूशन करें और मैच जीतें। थैंक यू।